तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब कल डार्लिंग प्रभास का बर्थडे था और जो बर्थडे सेलिब्रेशन कल हुआ है हम सभी जानते हैं किस लेवल का हुआ है। बाय गॉड, एक बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट करा जा रहा है, एक ओकेजन के टाइप से, एक क्या कहते हैं फेस्टिवल के रूप में एक बर्थडे सेलिब्रेट करा गया है प्रभास का। और बाय गॉड कल प्रभास की जो रियल फैन फॉलोइंग है वो कितनी है कल पता लग गया। तो मूवी जो आने वाली है दिसंबर में सालार, उसको लेकर भी अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला है, है ना। क्योंकि यहाँ पर बड़ी चीज़ें उम्मीद लगाई जा रही थी कि यस बर्थडे पर या तो हमें टीज़र देखने को मिल जाएगा या ट्रेलर या प्रीव्यू कुछ भी टाइप का इस तरह का हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब वीडियो क्लिप में सालार की हमें कुछ एक चीज़ें मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और क्या कहते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होमवाले प्रोडक्शन ने बहुत कुछ बचाने की कोशिश करी है, फिर से सेफ खेलने की कोशिश करी है। जो हाइप कल चल रही थी बाय गॉड, इस हाइप के लिए लोग मरते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस मरते हैं, लेकिन होमवाले फिल्म्स आई डोंट नो कि ये इतना फुटेज नहीं दे रहे हैं। इन्हें इस टाइम पर मुझे लग रहा था या फिर इन्हें इस टाइम पर ये करना था कि प्रीव्यू निकाल देना था, क्योंकि दो ट्रेलर इन्हें निकालने पड़ेंगे। देखो मूवी को रिलीज होने के लिए 2 महीने हैं, देखा जाए तो बहुत बड़ी फिल्म है और 2 महीने बहुत कम होते हैं प्रोमोशंस के लिए। ये 2 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं लगेगा, 22 दिसंबर कब आ जाएगी पता नहीं लगेगा। वही चीज़ कि अगर यहाँ पर एक प्रीव्यू टाइप से मिल जाता या फिर छोटा सा क्लिप मिल जाता सालार का, प्रभास का बर्थडे टाइप में सालार की भी प्रमोशन हो जाती और क्या कहते हैं प्रभास का भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता, अगर इस टाइप से मिल जाता तो और मज़ा आ जाता। लेकिन जो डाई हार्ट फैन हैं, जो वेट कर रहे हैं प्रभास की मूवी का, भाई वो देखने में बहुत अमेजिंग लगा, बहुत सॉलिड लगा। क्योंकि हो ये रहा था कि बाहुबली 2 के बाद से प्रभास से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं, इतनी ज़्यादा उम्मीदें सेट करके बैठ गए हैं लोग, क्योंकि उस मूवी ने 1800 करोड़ के आसपास, और जब उसके बाद कोई प्रोजेक्ट आया है, साहो मूवी आई, आदि पुरुष आई, राधे श्याम आई, इन मूवीज़ को बनाने के लिए बड़ा बड़ा बजट खर्च करा गया है, लगभग में लगभग बाहुबली और बाहुबली 2 जैसे बजट को खर्चा गया है इन बड़ी बड़ी मूवीज़ को बनाने के लिए। लेकिन पता नहीं कहाँ कमी रह गई, कुछ में VFX में कमी रह गई, कुछ में स्टोरी लाइन में कमी रह गई, तो इस वजह से उन मूवीज़ को उतना ज़्यादा फुटेज नहीं मिला। साहो पिट गई, राधे श्याम पिट गई, उसके बाद आदि पुरुष तो बहुत ही गंदी तरीके से पिटी है, जबकि आदि पुरुष के तो बहुत ज़्यादा बजट खर्चा गया था, 600 करोड़ के आसपास उसे बनाने के लिए बजट खर्चा गया था, उसके बावजूद भी वो मूवी देखा जाए तो बहुत अच्छा कलेक्शन करके लाई है। बॉलीवुड की हिंदी फिल्में नॉर्मली इतना कलेक्शन करती हैं, 300-350 ऐसा कलेक्शन, फिर भी आदि पुरुष लेके आई है। तो आप देख रहे हो ना प्रभास की कितनी सॉलिड फैन फॉलोइंग है, अमेजिंग है यार, अमेजिंग। डंकी मूवी सामने आने वाली है, बिल्कुल ज़रा सा खौफ नहीं है, ज़रा सा वो सिकन नहीं है कि भाई साहब ये इतनी बड़ी मूवी आ रही है, ऊपर से मेरा करियर नहीं चल रहा है, ऊपर से पिछली जो फिल्में आई थी सारी की सारी फ्लॉप गई हैं। मेकर्स को सब पता है, एक्टर को सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसा रिस्क ले रहे हैं, और बाय गॉड ये रिस्क क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कल का दिन फुल डे सर प्रभास का था, सालार का था, किसी और चीज़ की बात ही नहीं हो रही थी। हालांकि लियो चल रही है, लियो का हाइप इतना भयंकर चल रहा है, उसके बाद भी लियो की कोई सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक कोने पर वो भी चल रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। सिर्फ सालार सीज फायर डिसम्बर 22nd प्रभास बर्थडे सेलिब्रेशन हैप्पी बर्थडे पर यही सारे ट्रेंड चल रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहे थे। न्यूट्रल ऑडियंस को एक बार के लिए अलग कर देते हैं, लेकिन जो प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं, जो सच्चे वाले फ़ैन हैं, बाय गॉड वो इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत उम्मीद, मतलब हर टाइम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आदि पुरुष नंबर 1 ओपनिंग मूवी है 2023 की, लेकिन लियो ने उसको बीट डाउन कर दिया, उसके बाद भी वो मूवी फ्लॉप हुई है, लेकिन फिर भी नंबर 1 पर बैठी थी, फर्स्ट डे 100 लोग देखने गए थे। क्यों? क्योंकि ये सब फैंस की देन है, फैंस इतना वेट कर रहे हैं, तो कल बहुत वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा खासा निकलेगा, बट हुआ वही कि पिछले 3-4 इमेजेस जो निकाली गई थी, जो पोस्टर्स निकाले गए थे, उन्हीं को एक कोलाज बना के, उन्हीं का एक एडिटिंग करके, 4 को एक साथ ला के, जो आप देख रहे होंगे इस टाइम पोस्टर पे, इसी को रिवील कर दिया, रिलीज कर दिया मेकर्स ने, और वही चीज़ की झुंझुना पकड़ा दिया फैंस को। तो यहाँ पर ना फैंस का ईगो हट हुआ है, और ज़बरदस्त तरीके से हट हुआ है। तो कहीं से ये एक चीज़ रूमर्स ये भी आ रहा है या फिर ये चीज़ ऑफिशियल है, नहीं है, आई डोंट नो, कि लीक ये हुआ है, 9 से 10 पोस्टर शायद लीक करे गए हैं मूवी से, एक आध छोटी मोटी क्लिप भी लीक करी गई हैं, उसके बाद एक आध डायलॉग्स भी लीक करे गए हैं।
तो यार ये सब चीज़ें अगर लीक हो जाएंगी ना तो भाई मूवी में क्या बचेगा देखने के लिए, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही, कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो चीज़ हम पहले ही देख लेंगे। तो भाई साहब देखो, अगर होम वाले प्रोडक्शंस कुछ अगर फैंस के लिए भी करते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना पड़ता। 2 साल से इस मूवी का वेट करा जा रहा है और कुछ एक दिन की बात है, 22 दिसंबर को ये मूवी आ जानी है और बाई गॉड फट के आनी है, जिसका हमने पहला प्री टीजर, मैं कह सकता हूँ टीजर भी नहीं, प्री टीजर कल को हमने देखने को मिला है। सिर्फ बर्थडे में ये हिला के रख दिया। तो जिस दिन प्रीव्यू आ जाएगा, जिस दिन ट्रेलर आ जाएगा, जिस दिन मूवी रिलीज हो जाएगी, उस दिन क्या होने वाला है भाई? तबाही होने वाली है, ऑसम तबाही होने वाली है। तो वेट करते हैं टीजर। अब जो हाइप सेट हो चुकी है, देखो होम वाले प्रोडक्शन मेकर्स, मैं कह रहा हूँ अब जो हाइप सेट हो चुकी है, इस हाइप का ये फ़ायदा उठाएंगे। अराउंड 8 से 10 दिन के अंदर या फिर इसी बीच में ये लोग जरूर में जरूर प्रीव्यू जरूर रिलीज करेंगे, एक ट्रेलर और रिलीज करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ मूवी से रिलेटेड, प्रभास सालार से रिलेटेड ये जरूर रिलीज करेंगे, क्योंकि डंकी इस टाइम खाए पड़ा है। 21 दिसंबर का जो 3 दिन पहले पोस्टर आया था उसने खाए पड़ा है, मार्केट को उसने कैप्चर कर रखा है इस टाइम पर। तो उस हाइप को इन्हें बीट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लैश है। तो भैया इन्हें अगर मोटा कलेक्शन करना है तो बस इस हाइप को तो इन्हें फिलहाल में बीट डाउन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।